लवली में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डोसा और टमाटर प्याज के डोसे के साथ खाने वाले चटनी। ये बहुत ही क्रिस्पी है डोसा, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल, उसमें डालेंगे 2 कप चावल, 2 कप, और हम इसमें डालेंगे 1/2 कप उड़द दाल, और डालेंगे 1/3 कप चना दाल, ये 1/2 कप से थोड़ी सी कम है, और हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना। अब हम इन सभी को मिक्स कर देंगे, ये अच्छे से सारी चीज़ मिक्स हो चुकी है। अब इसको हम 3 से 4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से 3 से 4 पानी से वॉश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, अब इसको हम पानी डालकर 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखिए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं चावल दाल को भिजे हुए। अब इसको हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने मिक्सी के जार में निकाल लिया। अब इसमें से हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। हम इसको एक साथ नहीं चलाएंगे, धीमा धीमा करके चलाएंगे। एक साथ चलाने से मिक्सी गर्म हो जाती है, इसलिए देखिए हमने इसका एकदम स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको हम एक पतीली में डाल लेंगे। मिक्सी हमें रुक रुक कर चलानी है, तभी हमारा बैटर सही बन पाएगा। ऐसे ही हम ये बची हुई चावल दाल को भी पीस लेंगे इस तरीके से ही। देखिए हमने पतीले में सारा बैटर निकाल लिया है और हाथ को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम हाथों से फेंटेंगे, इसको हमें चम्मच से नहीं फेंटना है। इसको हमें एक ही दिशा में फेंटना है। ऐसे ही हम इसको 5 मिनट के लिए फेंटते जाएंगे। देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं बैटर को फेंटते फेंटते। इसको हम प्लेट से ढक देंगे और इसको हम किसी गरम चादर या शॉल से कवर कर देंगे। अभी विंटर चल रहा है इसलिए इस तरीके से इसको ढककर इसी तरह गरम जगह पर रख देंगे 12 घंटा के लिए। सबसे पहले हम आलू मसाला को तैयार कर लेंगे डोसा के लिए। उसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राई के दाने, और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच उड़द दाल। इन दोनों को भून लेंगे। ये दोनों अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटी हुई लंबा प्याज। प्याज को चलाते हुए भून लेंगे और इसी के साथ डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्ची।
दोनों को एक मिनट तक भून लेंगे। एक मिनट हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे टमाटर कटे हुए एक, टमाटर को भी एक मिनट के लिए भून लेंगे। गैस को हमें मीडियम रखना है। टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 5 बड़े साइज के कटे हुए आलू बॉईल किए हुए हैं, इनको चलाते हुए भून लेंगे। और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, इन सभी को मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम पोटैटो मैशर से मैश करेंगे। आप हाथों से भी छोड़ के डाल सकते हो। देखिए हमने आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है, अब इसको इसी तरह चलाते हुए 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया पत्ती, अब इसको हम मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा के साथ हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई प्याज, को हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो प्याज को पकते पकते 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे 4 कटे हुए टमाटर, 1 चम्मच नमक, जिससे टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। इसको नमक को मिक्स कर देंगे टमाटर प्याज में। टमाटर प्याज को ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। टमाटर प्याज अच्छे से गल चुके हैं, 3 से 4 मिनट हो चुकी हैं, अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सभी मसालों को मिक्स कर देंगे। देखिए हमने सूखे मसाले को भी चलाते हुए भून लिया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको इसी तरह ठंडा हो जाने देंगे। देखिए यहाँ पर टमाटर प्याज को हमने मिक्सी के जार में निकाल लिया, अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए यहाँ पर चटनी बनकर तैयार है।
अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का के लिए हमने गैस पर रख लिया चमचा, इसमें डालेंगे एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे एक चम्मच सरसों के दाने और इसी के साथ डालेंगे एक पिंच हींग। सरसों के दाने को चटक जाने देंगे। देखिए सरसों के दाने अच्छे से चटक गए हैं। अब हम इसमें लगा देंगे तड़का और मिक्स कर देंगे इसको। देखिए टमाटर प्याज की चटनी बनकर तैयार है। देखिए डोसा के बैटर को रख के 12 घंटे हो चुके हैं, इसको हम देख लेंगे। देखिए डोसा का बैटर कितने अच्छे से फूल चुका है। देखिए अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। देखिए हमें इस तरीके का करना है इसका बैटर। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे आधा चम्मच नमक। इसमें हमें पहले नमक नहीं डालना है, नहीं तो ये अच्छे से नहीं फूलेगा। जब बनाएं तभी उसमें नमक डालें। अब इसको हम नमक को मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों डोसा बनाने के लिए हमने यहाँ पर तवा ले लिया है, इसकी नॉन स्टिक छूट गई है। हमें इसमें ऐसा ही तवा लेना है। अब तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें लाएंगे थोड़ा सा ऑयल। इसको हम चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे, पोंछ लेंगे। अब इस पर डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसको भी पोंछ लेंगे कपड़े से। इस पर डालेंगे एक चम्मच बैटर। अब इसको हम नीचे से सिक जाने देंगे। अब इस पर डालेंगे एक चम्मच रिफाइंड ऑयल, इसको चारों तरफ लगा लेंगे। और इसमें लाएंगे आलू मसाला। डोसा देखिए तवा पे ऐसे चुनने लगा है। अब इसको हम रोल कर लेंगे। देखिए कितना क्रिस्पी डोसा बना है। ऐसे ही हम सारे डोसे तैयार कर लेंगे बनाकर। इसको हम नीचे से सेंक लेंगे। मसाला लगा देंगे आलू मसाला। अब ये तवा पे से चुटने लगाए। अब इसको हम रोल कर लेंगे।
देखिए ये भी हमारा कितना क्रिस्पी बना है। अब इस पर हम डालेंगे पानी, इसको हम कपड़े से पोंछ लेंगे और इसमें डालेंगे बैटर। इस तरीके से हम फैला लेंगे। इसको हम नीचे से सेक लेंगे। अब इस पे लाएंगे हम ऑयल। आलू मसाला लगा लेंगे। देखिए छुटने लगा है, इसको पूरा तरीके से छुटा देंगे। अब इसको हम रोल कर लेंगे। देखिए ये भी हमारा कितना क्रिस्पी बना है। ऐसे ही हम सभी डोसा बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों देखिए हमारा डोसा क्रिस्पी और टमाटर प्याज की चटनी बनकर तैयार है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।